गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 10, आज संडे है, तो संडे को मैंने सोचा अपनी बाइक का कुछ काम करना था। पिछली बार जो मैंने माइलेज टेस्ट की वीडियो बनाई थी, उसमें क्या मेरी बाइक का एवरेज था पर 34 था। इस बार 34 क्यों एवरेज आया थी, इसके लिए मैंने चेक किया, तो मेरी बाइक में जो यूरो सेक्शन का पाइप होता है जो गैस को रिसर्कुलेशन करके दोबारा जलाती है मैनिफोल्ड में, तो वो ब्लॉक था। तो इस चक्कर में वाल का भी दिक्कत हो सकती है और इसकी भी दिक्कत हो सकती है। तो फिलहाल अभी मैं चल रहा हूँ दुकान पे, देखता हूँ क्या क्या काम हुआ। भैया मैंने कल ही बाइक देखी तरह, आप खोल दीजिएगा, आगे आके देख लेंगे जो करने की जरूरत होगी। और बाइक में थोड़ा सा ऑयल लेवल भी कम होता है, तो ये प्लग पे तो ऑयल नहीं आता पर ऑयल लेवल कम होता है। क्या पता गाइड जैसे भी होता हो या और भी कोई रीज़न हो सकता है, तो चल के देखेंगे करने के बाद चलेगा। फिलहाल तो कुछ बता नहीं सकते, फिलहाल चलते हैं। सुबह से जाकर अब जाकर टाइम मिला है मुझे अपनी गाड़ी का काम करने के लिए। कस्टमर की गाड़ियाँ तो हो गई, मतलब लगभग पूरा काम हो ही गया है। अब मुझे करना है कि हड खोलना है और जो बताना था आपको प्रॉब्लम वो भी दिखाता हूँ। जो यूरो पाइप में था बंद था, तो उसमें जो गैस निकलती है वो भी दिखाता हूँ। वैसे आपको वैसे गैस निकलते हुए हाथ वाला हूँ तो वहाँ हवा निकलती है, तो आवाज़ साउंड भी चेंज हो जाता है, पर वो साउंड आ नहीं रही है, हवा नहीं आ रही वहाँ पे, तो भी मैं दिखाता हूँ। और यहाँ से जो गैस निकलती है ना वो नहीं निकल, क्योंकि इसमें आवाज़ सा चेंज हो जाता है जब गैस यहाँ से, ये कहते हैं एक पर साइलेंसर है, यूरो सक्शन पाइप होता है, वो दिखाता हूँ क्या होता है। ये होती है, इसमें थोड़ा सा ना ऑयल भी आ रहा है हेड के पास, हो सकता है जैसे खोल दिया, फिर आपको दिखाता हूँ इसमें आवाज़ में क्या चेंजेस हैं। यहाँ से कोई गैस नहीं निकलती, कोई गैस नहीं आ रही। अब हेड खोलते हैं, हेड खोल के दिखाता हूँ क्या है। फ्रेंड्स एक काम कंप्लीट हो गया नंबर, इसमें क्या है इसका ना पिस्टन पे भी ना थोड़ा ऑयल आ रहा है, तो इसमें पिस्टन का एयरिंग डाल के काम होता है। वैसे रिंग डालना सक्सेस तो नहीं होता, अभी देखते हैं। वैसे उम्मीद कर रहा हूँ अगर जेन्युइन रिंग मिल जाएगी तो मैं जेन्युइन रिंग डाल दूंगा, नहीं तो फिर पिस्टन। और फिर जो कमी थी ना वो ये देखो, ये वाल तो मैं चेंज करूँगा। इसका ना यूरो सेक्शन वाला जो पाइप है ये ब्लॉक हो गया पूरा, इसमें कचरा भरा हुआ है, जिसकी वजह से ना ये यूरो सेक्शन काम नहीं कर रहा था। तो इसको मैं साफ करना होगा, इसे खोलेंगे खराब दिया पे देंगे, उससे भी साफ हो जाए, नहीं तो कितना कचरा भरा हुआ इसमें। इसकी वजह से यूरो सेक्शन काम नहीं कर रहा था और ये पॉल्यूशन कर रही थी बाइक मेरी। जो ये जो होल था जिसमें कार्बन जमा होते साफ करवा दिया था हमने, और ये क्लीन हो गया पूरा। तो इसमें ना दो कमी और निकली, एक तो हमारा ये वाल गाइड होता है ना, जो वाल गाइड जिसमें वाल चलती है, ये एग्जॉस्ट वाला एक वाल गाइड डालना पड़ा मेरे को, वाल गाइड खराब थी का एग्जॉस्ट। तो कैसे हुआ जरा उसको देख लो, फिर मिलते हैं।
फाइनली बाइक रेडी हो गई, साइलेंसर लगा दिया हमने, सारी फिटिंग हो गई है। अब इसकी एक बार ना स्टार्ट करके देखते हैं कैसी कंडीशन है। और एक्चुअली मैं आपको एक और कंफर्म कर देता हूँ कि कोई भी बाइक हो, चाहे जिसमें यूरो सेक्शन वाला पाइप है ना, जो मैंने आपको बताया था जीरो चौक हो गया था, अगर ऐसी केसेस में कोई ना ब्लैक स्मोक देती है, मोस्टली तो वाल्व की वजह से होता है, पर इन केस कभी अगर ब्लैक स्मोक दे रही है तो या तो यूरो का पाइप ना, इस बार तो ब्लॉक से जाम था तो इसमें से एयर निकल नहीं रही थी, कितना यूरो सेक्शन वाला जो पाइप है स्टील लोहे वाला जो इधर वाला है, ये भी कितने बार ना ब्लॉक हो जाती है, तो उसकी वजह से भी ना आपका ये काम नहीं करता। तो इसे जी ध्यान रखें कभी। क्या बात है, कुछ दिन तक इसे मैं 35-40-45 में समथिंग चलाऊंगा, सडनली एक्सीलेट नहीं दूंगा इसमें, कितने पिकअप के चक्कर में या सडनली जो मैं गियर चेंज करके बनाता हूँ तो कुछ टाइम तक मैं नहीं करूँगा इसमें रिंग डाल रखी है। वैसे वाल में आप कराते तो कोई होती नहीं, आप कितना भी कह सकते हो भाई कितनी स्पीड चला सकते हो, पर इनकेस अगर पिस्टन डालते हो तो ऐसे केस में आप चार्ज करो कम से कम आधे घंटे एक घंटे गाड़ी को स्टार्ट रहने दो, फिर देखते रहो कहीं जहाँ खड़ी है वहाँ ऑयल तो नहीं गिर रहा, अगर गिर रहा है तो कहाँ से गिर रहा है वो चेक करते रहो, जहाँ पहले पूरे इंजन को साफ कर दो, पूरा क्लीन कर दो, उसके बाद देखते रहो, अगर पे भी जाकर अगर नया इंजन उसको रमाते रहो तब चेक करो। और मोस्टली मैंने बताया आपको 30-50 से ऊपर चलानी नहीं है। बाकी के लिए बाय।